हंड्रेड क्यू सीरीज का आपके पास ये 59th क्वेश्चन है। हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई बाई टू वन अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स को। हमने अभी ये क्वेश्चन किया था जिसमें पावर केवल साइन की 1 थी और कॉस की पावर भी 1 थी, यहाँ पर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है और यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी आ सकता है, प्लस 5 भी आ सकता है, प्लस 8 यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी आ सकता है। उसको सॉल्व करने का भी यही सेम तरीका रहेगा। क्या करेंगे देखें, क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू वन अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जब आपके पास यहाँ स्क्वायर के टर्म्स हैं तो एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करिए कि इस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई कॉस स्क्वायर एक्स। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 टू पाई बाई टू ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, जब इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 अप, लिख लें एक बार, 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये नंबर आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे आप। आपके पास आई होगा 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसे सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ये आपके पास रहेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये आपके पास हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन होता है ये नंबर 10 होगा और ये आपके पास क्या रहेगा 5 रहेगा प्लस 5 डी एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यहाँ पर आके हम यहाँ पर टेन एक्स को टी मान सकते हैं, टेन एक्स को टी मानेंगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। टेन एक्स को आप टी मान लीजिए, टेन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो आप ऑपरेटर चेंज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपके पास आई हो जाएगा, आप लिमिट चेंज करेंगे, आप यहाँ जीरो पुट करिए, पहले ये जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो क्या होता है जीरो, तो यहाँ पर जीरो आएगा और जब आप यहाँ पर पाई बाई टू पुट करेंगे तो टेन पाई बाई टू होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, इन दोनों की जगह डी टी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस 5 डी टी, क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए या इसे 2 टी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों बातें की रहेंगी। आप इसे आई इक्वल टू लिख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टी होल स्क्वायर प्लस रूट 5 होल स्क्वायर डी एक्स डी टी, ये नंबर रहेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, दिस इज द 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आप थोड़ा इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा आई इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आपके पास रूट 5 है, 1 अपॉन रूट 5 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स आपके पास क्या है 2 टी है, 2 टी अपॉन रूट 5 ये नंबर आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद है कि जब आपके पास यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट नंबर से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूँ, चाहे तो आप इस 2t को कुछ मान लें, बी मान लें तो 2t dt बराबर dv आएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से 2 डिवाइड कर देते हैं। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, हमारे पास यहाँ लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी 0 टू रहेगी इन्फिनिटी, आई इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 रूट 5, इसमें अपर लिमिट पुट करिए तो टेन इनवर्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, टी की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी इंटू 2 अपॉन रूट 5 इन्फिनिटी होगा, माइनस 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या रहेगा 0 रहेगा, टेन इन्फिनिटी का मतलब होता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू, आई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 5 इंटू पाई बाई टू और टेन इनवर्स 0 0 होता है,
इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई इक्वल टू आएगा पाई अपॉन 4 इंटू रूट 5। आप चाहें तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू रूट 5 पाई अपॉन 20। ये आपका आंसर होगा। यहाँ से रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 5 हो जाएगा, 5 4 20, तो इसे लिख सकते हो रूट 5 पाई अपॉन 20। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी स्पेशल ट्रिक थी। जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टर्म है तो आप क्या करेंगे, डिनोमेटर और न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप कॉपी कर लीजिए इसे।